नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की CCS यूनिवर्सिटी की अपडेट है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, बच्चे सबसे ज्यादा जो मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों का एक ही क्वेश्चन है, वो ये है कि सर हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहने वाला है, और जो हमारे एग्जाम होंगे वो आपके कितने टाइम के होंगे। तो एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन हैं। तो साथियों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो एग्जाम का आपका टाइम ड्यूरेशन है, तो टाइम आपका जो पेपर आपका 3 घंटे का होता था तो वो आपका 1.5 घंटे का होने वाला है, और जो पेपर आपके 2 घंटे के थे वो आपके 1 घंटे के होने वाले हैं। ये क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यानी कि जो पेपर आपके 3 घंटे का समय होता था जिन पेपर को, अब वो पेपर जो होंगे आपके 1.5 घंटे के होंगे, और जो आपके पेपर 2 घंटे वाले पेपर हैं वो आपके 1 घंटे में होने वाले हैं। दूसरा है, साथ के साथ मैं आपको बता दूं बच्चों का एक और क्वेश्चन इसी में ये है कि सर हमारे जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो साथियों, बिल्कुल क्लियर है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे, आपके जो एग्जाम है वो ऑफलाइन ही कराए जाएंगे, यानी कि ऑफलाइन ही एग्जाम आपके कराए जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चे के एग्जाम हमारे कब होंगे, तो आपके जो एग्जाम है सबसे पहले आपके एनुअल एग्जाम कराए जाएंगे, यानी कि एनुअल एग्जाम जुलाई में स्टार्ट कराए जाएंगे, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एनुअल एग्जाम स्टार्ट करा दिए जाएंगे, और उसके बाद में हो सकता है सेमेस्टर एग्जाम जो है उसी के साथ में कराए जाएं, और जो बीएड के एग्जाम है बीएड के एग्जाम हो सकता है इन्हीं के साथ कराए जाएं, और हो सकता है कि इसके बाद में कराए जाएं, यानी कि अगस्त में फिर इनके बीएड वालों के बच्चों के एग्जाम हो जो बीएड सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं। फर्स्ट ईयर का 99% क्या है, प्रमोट ही होंगे 99%। अभी मोहर नहीं लगी है इसलिए मैं 100% नहीं कह रहा हूं, 99.9% जो है आपका बीएड फर्स्ट ईयर प्रमोट किया जाएगा, और सिर्फ एग्जाम जो होने हैं फाइनल ईयर के होने हैं। और साथियों, बच्चों का क्वेश्चन के हमारे जो एग्जाम है वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे, तो इसके लिए आज मैं आपको कंफर्म करके तब मैं आपको कंफर्म करूंगा कि आपके जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे या सब्जेक्टिव होंगे। तो वो किस तरीके से होने वाले हैं उसके लिए मैं आपको आज इवनिंग तक अपडेट करने वाला हूं। और साथ के साथ जो बच्चे मेरे से एक्स और बैक वाले बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो अभी एक्स और बैक वालों के लिए मैं अभी कुछ क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, अभी उनके लिए कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है कि उनके एग्जाम कराए जाएंगे या उनको प्रमोट किया जाएगा। चांसेस यही है, जो आपके फर्स्ट ईयर की एक्स भरी है, सेकेंड ईयर की एक्स भरी है, तो उनको प्रमोट किया जाएगा, फाइनल ईयर की एक्स के पेपर होंगे, और जो आपके एनुअल अपने एनुअल जो एग्जाम है उसमें सेकेंड ईयर की यदि एक्स भरी है तो सेकेंड ईयर के भी एग्जाम होंगे, और आपकी जो बैक है उसके भी आपके एग्जाम होंगे सेकंड ईयर के एनुअल के, और जो सेमेस्टर मोड है तो सेमेस्टर में सिर्फ फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। लेकिन मैंने आपको जैसा भी बताया कि अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इसके लिए जब बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा तो 100% मैं आपको तब बोलूंगा। तो साथियों, ऑलमोस्ट जितने भी आपके क्वेश्चन कह रही थे वो मैंने उनका आंसर कर दिया है, और यदि आपको अभी भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।